నియోజకవర్గం బాలనగర్ డివిజన్ పరిధిలోని దిల్కుష్ నగర్ ప్రాంతంలోని నిరుపేదలకు యాసెస్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కుత్బెల్లాపూర్ యూత్ టీం సహాయంతో 175 మందికి నిత్యావసరమైన రేషన్ కిట్స్ ను అందించారు. ఈ సందర్భంగా యాసెస్ ఫౌండేషన్ సభ్యురాలు మారియా తబస్సుం మాట్లాడుతూ, మేము అందిస్తున్న రేషన్ కిట్స్ సుమారు ఒక్కొక్కటి 1100 రూపాయలు కలదని తెలిపారు. స్థానిక కుత్బెల్లాపూర్ యూత్ టీం సహాయంతో ఈరోజు 175 మందికి పంపిణీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. అదేవిధంగా కుత్బెల్లాపూర్ యూత్ టీం సభ్యుడు మరియు ఏఐఎంఐఎం కంటెస్టెడ్ కార్పొరేటర్ సమీర్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ, దిల్కుష్ నగర్ ప్రాంత ప్రజలు లాక్డౌన్ వలన చాలామందికి చేయడానికి పని లేక ఇల్లు గడవడం కష్టంగా ఉందని తెలుసుకొని యాసెస్ ఫౌండేషన్ సహాయంతో ఇక్కడి ప్రజలకు రేషన్ పంపిణీ చేసే బాధ్యతను తీసుకొని విజయవంతంగా పంపిణీ పూర్తి చేశామని తెలిపారు. దాతలు ఎవరైనా ఇలాగే ముందుకొచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. मारिया तबस्सुम, मैं एक्सेस फाउंडेशन से हूँ यहाँ पर, और फूड हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हैं यहाँ पे. हमारा जो राशन का पैक है तकरीबन वो 1100 रुपये का पैक है राशन का हमारा, और हम लोग आइडेंटिफाई करके लोगों को वहाँ के लोकल वॉलंटियर्स की मदद लेके हम लोग काफ़ी आइडेंटिफाई किए लोगों को जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, या ऐसे लोग जिसके शौहर नहीं है, या बिना बच्चे वाले लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वैसे लोग यहाँ पर आए हैं पूरे. और काफ़ी देख समझ के हम लोग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. आज तकरीबन 175 फैमिलीज़ को आज यहाँ पर मिलने वाला है. दिस इज़ दिलखुश नगर एरिया, और ये काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, IDPL के पास है ये, और कट ऑफ है ये सिटी से. यहाँ अब तक एक्सेस फाउंडेशन तकरीबन 16,450 लोगों को हमने राशन दिया है. इसमें 2,830 फैमिलीज़ हैं और कई मदरसे हैं कवर्ड, तो हम राशन दे रहे हैं. और अभी राइट नो हमारा माइग्रेंट्स का भी काम शुरू हो गया है. माइग्रेंट्स को हम लोग पका हुआ खाना दे रहे हैं, तो काफ़ी काम हो रहा है, और कपड़ों का भी काम हो रहा है. मदरसों में कपड़े दे रहे हैं. आज आप लोग देख सकते हैं कि बहुत वॉलंटियर्स कई हमारी मदद कर रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है. आप लोगों के डोनेशंस आते रहेंगे इंशाल्लाह, तो काम जारी रहेगा. हम और बड़े उस पर ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं. और एक्सेस फाउंडेशन की एक खास बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं है. तो हम लोग 15 लोगों की टीम है हमारी, और हम लोग बिल्कुल वॉलंटरी बेसिस पर काम करते हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं है. इवन हम लोग अपना कन्वेंस भी हमारे फाउंडेशन से नहीं लेते, तो आप बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा करके हमको दे सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद समीर अहमद, कुत्बुल्लापुर यू टीम का एक जिम्मेदार. आज आप फिर देख रहे हैं कि एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से आज 175 किट्स दिलकुश नगर IDPL SV मॉडल स्कूल तक पहुंचाए गए हैं. उस किट्स को आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुत्बुल्लापुर यू टीम के सभी वॉलंटियर्स आज यहाँ पर तकसीम करते हुए नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह. और इसी मौके पर कुत्बुल्लापुर यू टीम की तरफ से एक्सेस फाउंडेशन को बहुत बहुत शुक्रिया भी कहना चाहता हूं. और हम ये कुत्बुल्लापुर यू टीम और एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में, अपने अपने बस्तियों में, जहां पर भी आप बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके. शुक्रिया, खुदा हाफिज़. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.